नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम निकाय की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटा चुनाव है लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़ा दाव, या यूं कहें कि 2024 का लिटमस टेस्ट है। लोकसभा के 2024 के चुनाव से पहले यूपी के निकाय चुनाव एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल होगा। इस मुकाबले में जिस राजनीतिक दल को बढ़त मिलेगी उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ भी नजर आएगा। हर राजनीतिक दल निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम रामपुर की बात करें, या यूं कहें कि सबसे पहले रामपुर की बात करें, तो पिछले निकाय चुनावों में जिले में सपा का दबदबा रहा था। रामपुर, मिलक और बिलासपुर नगर पालिका पर सपा का कब्जा रहा था। अन्य कई निकायों में सपा के समर्थन वाले प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई थी, जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में सपा और आजम खान से किनारा कर लिया। अब जब इन निकायों में फिर से चुनाव होंगे तो सपा पूरा दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। अब ये समझिए कि ये ग्रास रूट लेवल का चुनाव है। भाजपा दावा तो कर रही है कि उसे जिले के सभी निकायों में जीत हासिल होगी, लेकिन यहां के निकायों के समीकरण कुछ इस तरह के हैं कि भाजपा को इस दावे की हकीकत में बदलने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। अब उसका रीजन समझिए। ग्राउंडो की अगर हम बात करें तो ग्राउंडो पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 70% मुस्लिम वोटर्स रामपुर क्षेत्र में आते हैं। हिंदू वोटर्स की तादाद 30 से 33 फीसदी की है। इस वजह से भी माना जाता है कि अगर हम समीकरणों की बात कर लें तो सपा के हिस्से में यह पूरा मामला जाता हुआ नजर आता है। ग्राउंडों का रुख करेंगे। सुरेश हमारे साथ में रामपुर से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके साथ में तमाम लोग भी मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि निकाय में जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, आखिरकार वो किस तरीके से अपने लिए छोटी सरकार का चयन करने वाले हैं, किन मुद्दों पर आधारित उनकी ये सरकार होने वाली है, यानी कि प्रत्याशियों को क्या कुछ वादे करने हैं, क्या कुछ उनसे आशाएं हैं, उन्हें वो बताएंगे। सुनिए। सुरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो आजम खान थे रामपुर से, उनका काफी दबदबा रहा था पिछले निकाय चुनाव में, काफी इस बार निकाय चुनाव में आजम खान और बीजेपी जो है इस बार काफी मजबूती से दिख रही है। क्योंकि बात करूं अगर रामपुर की, तो पूरे जिले के लगभग 2,02,300। सुरेश, हो सके तो अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ये जनता के चुनाव हैं, तो जनता से ये जानना जरूरी होगा कि किन मुद्दों पर आधारित वो चुनाव करने वाले हैं। मेरे साथ जो यहाँ एक दुकानदार है, उनसे मैं पूछता हूँ किस तरीके का जो है उम्मीदवार चुनेंगे और कितने क्या उम्मीदों से। क्या नाम है? इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय चुनाव, तो इस बार जो है किन मुद्दों पे वोट देंगे? ये क्या आम पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए होगा, वो इलेक्शन पहले हो बाद में हो, मतलब अगर ऐसा ना हो कि तारीख बाद में आइए कम आइए, लेकिन ये है कि फिर आम पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए होता है। जैसे कि सपोज राजस्थान है और ये जितनी गलियां वगैरह है, या इसमें क्या कहते हैं, इसमें पानी वगैरह भर जाता है, स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है, बिजली की परेशानी होती है, बिजली की चेकिंग होती है इसमें, लेकिन अब तो फिलहाल में चेकिंग कम है, बहुत इसमें काबू पा लिया गया है, लेकिन बिजली की चेकिंग ना हो, राशन ज्यादातर मिले, तो आम पब्लिक को कोई नहीं, कैंडिडेट कोई भी हो, वोट उसको किसी को, जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट देना, तो उसको बात उसको सिर्फ काम चाहिए, वोट देगा काम चाहिए। आपको यहाँ पर एक और पूछता हूँ कि किस तरीके का जो उम्मीदवार चुनेंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा ये बताइए, इस बार नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? तो सुरेश ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं, तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और वो किन मुद्दों के आधार पर अपना
चुनाव करने वाले हैं प्रत्याशियों का। आपको बता दें रामपुर के अगर समीकरण को समझेंगे तो कुल जो वार्ड है उनकी संख्या 31 है। अलग अलग नगर पंचायतों में अलग अलग वार्डों की संख्या भी आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं। सुरेश, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों के आधार पर वो प्रत्याशियों का चयन करेंगे। यहाँ से जो उसे मैं बातचीत करता हूँ कि किन मुद्दों पर प्रत्याशियों को वोट देंगे। आप उनको किन मुद्दों पर वोट देंगे? यहाँ पे जो प्रत्याशी उनको उनसे जाएगा कि काम करेंगे, लाइट वगैरह है, राशन और गली वगैरह बन रही है, बहुत काम ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार काम कर रही सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। सुरेश ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जनता सड़क पानी बिजली जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है और साफ तौर पर बता रही है कि वो अपने प्रत्याशियों का चयन भी इन्हीं मुद्दों के आधार पर करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के आरक्षण की सूची घोषित होने के बाद जिले में आगामी नगर निकायों को लेकर सभी प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। जिले में 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत हैं। सभी वार्डों को मिलाकर कुल 235 वार्ड हैं। निकाय चुनावों को लेकर सभी वार्डों के प्रत्याशी पार्टी के कार्यालय में डेरा जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ जनता क्या सोच रही है, जनता के दिल में क्या है, वो जानने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कुशीनगर से आदित्य पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ जनता का सोचना है, जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाली है, प्रत्याशियों का चयन करने वाली है, या अपने भविष्य में जो मेयर होगा, जो प्रत्याशी होगा उनके क्षेत्र का, उससे क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं? को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ हर दल अपने प्रत्याशी को उतार चुका है ताकि चुनाव में अपनी जीत हासिल कर सके। यह नगर निकाय चुनाव 2024 के लिए होगा ताकि जो इस निकाय चुनाव में जिस सरकार का सबसे ज्यादा चेयरमैन होगा उसकी सरकार बन सकती है। तो सरकार कहीं ना कहीं आजमा रही है कि हमारे प्रत्याशी हैं वह चुनाव लड़े। साथ ही साथ जो विपक्ष के दल है वो भी लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम इस समय कुशीनगर में मौजूद हैं। कुशीनगर नगर पालिका है और माना जाना नगर पालिका है। यहाँ पे हमारे साथ चाय पीने वाले लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? त्रिवेंद्र पाठक नाम है मेरा, कुशीनगर से। क्या लगता है कि किस मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? देखिए, जहाँ तक मेरी राय है कि चुनाव आ रहा है तो प्रत्याशी की तरह प्रत्याशी आ जा रहा है, बड़े बड़े घोषणाएं कर दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई काम नहीं हो रहा है। इस जैसे पिछले बार निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार भाजपा कैंडिडेट वहाँ की। क्या लगता है आपको कि इस बार जो नगर निकाय चुनाव वाला मुद्दा क्या होगा, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हिंदुस्तान गंगा जमीन वाला शाही वाला देश तो ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर मुसलमान चेहरे का चुनाव किया, लेकिन साथ इन्होंने अपने ही पालनपुर में खर्च कर दिया, तमाम अपराधी मुकदमे को दर्ज हुए। नगर पालिका में एक काम उन्होंने अच्छा नहीं किया तो अब दूसरे दिन बताकर एक सूर को मांग करती है, तो ये पास आज पूरा फेल हो रहा है। मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा सर ऐसे बेसिक जो जरूरत है नगर पालिका की, वो पानी है, अच्छी नालियाँ हैं, बरसात को बच बजाए ना, जो बच बजाती रहती है, पेयजल शुद्ध करते हैं, बिजली को आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता की लाइब्रेरी चाहिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है नगर पालिका में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय है, महात्मा बुद्ध की महात्मा परिणाम स्थलीय। लेकिन अभी हमारे साथ और लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस बार चुनाव होने वाला नगर निकाय का, क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पर प्रत्याशी को जीतना चाहिए? नगर पालिका ऐसी तुरंत बाद बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात से पहले नगर पालिका अभी तक कोई काम नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और नगर पालिका की बात, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में
बहुत अच्छी पकड़ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर है। अभी रिसेंटली में आप देखे होंगे झांसी में क्या हुआ, तो उसको भी देखते हुए नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव में अच्छा काम करेगी। क्या लगता है कि आपको जो पिछले चेयरमैन थे जो काम नहीं कर पाए, क्या जो आने वाले चेयरमैन होंगे काम करेंगे? देखिए वही हम बात कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक घटना घटी है झांसी में, अभी इससे पहले जो हमारे वहाँ नगर निकाय के अध्यक्ष थे उनके में और अभी जो होंगे उसमें जमीन आसमान की अंतर, जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि योगी सरकार ने बहुत बहुत तगड़ी कानून व्यवस्था कर दी है। क्या लगता है कि आपको कि इस नगर पालिका में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को जो चेयरमैन होंगे वह इस मामले को सुलझा देंगे? मेरा अभी तक आज तक का अनुभव है 35 वर्षों से यह नगर पालिका के पूर्व नगर पंचायत था, जितने भी अभी तक अध्यक्ष हुए हैं कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने की अवकाश में प्रत्याशी है, तो मेरा इस नगर पालिका जनता जनार्दन से अपील है कि पूर्व में एक टीला देवी बहुत ही गरीब प्रत्याशी थी, तो नगर पंचायत अध्यक्ष हुई थी, जो खास करके व्यवसायी हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए आतुर हैं, तो एक समाज के प्रति समर्पित शिक्षित योग्य कुशल व्यक्ति को ही नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाए, ये मेरी मांग है और मेरी आशा और विश्वास भी है। दूसरी बात यह है कि अरबों खरबों रुपए उसी नगर महापरिनिर्माण के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय प्लेस होने के नाम पे आ रहा है, लेकिन अगर उसका आकलन 5 साल का ही कर दिया जाए तो जिस जगह पे आप वाइल ले रहे हैं इसी कुशी नगर अंतर्राष्ट्रीय स्थली पर उसका 25% भी धरातल पर काम दिखाई नहीं देगा। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का क्या सोचना है। कुशीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक दर्शक जुड़े हुए थे हमारे साथ में वो साफ तौर पर कह रहे थे, या यूं कहें कि स्थानीय निवासी जो जुड़े हुए थे वो कह रहे थे कि देखिए निगम के चुनावों के बाद सीधे बरसात का मौसम आना है, तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा व्यवस्थित होना चाहिए, हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करने वाले हैं जो कि बरसात का प्रबंधन बेहतरीन करे, ताकि हमें लबालब सड़कों से डूब करके हमारे बच्चों को ना जाना पड़े, हमें ना जाना पड़े, और भी बहुत सारी बातों का यहां पर जो तमाम स्थानीय लोग थे उन्होंने जिक्र किया। दूसरी तरफ प्रदेश भर की अगर बात करें तो निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर पालिका परिषद सहित जिले में 10 निकाय हैं जिनमें 2 नगरपालिका और 8 नगर पंचायत शामिल है। नगर निकाय चुनाव में इस बार जिले भर में 6,47,606 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 3,39,943 पुरुष और 3,07,673 महिला वोटर्स हैं जो तमाम प्रतिनिधि होंगे उनके भाग्य का निर्णय करने वाले हैं। लेकिन भाग्य का निर्णय होगा किन मुद्दों के आधार पर, इसके लिए पवन हमारे साथ मुजफ्फरनगर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पवन, तमाम लोगों का क्या कुछ सोचना है, महिलाओं का, पुरुषों का, स्थानीय निवासियों का क्या कुछ सोचना है, किन मुद्दों के आधार पर वो अपनी छोटी सरकार का चयन करने वाले हैं? पूजा, मैं बता दूं मुजफ्फरनगर नगर पालिका सदर पर इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ मुजफ्फरनगर में 2 नगरपालिका के साथ साथ 8 नगर पंचायत भी है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बात करें नगर निकाय चुनाव में तो टोटल 6,47,600 मतदाता है, ये पुराने आंकड़े हैं 2017 के। अब क्योंकि प्रिंसिपल मुजफ्फरनगर नगर पालिका का बढ़ा है, नगर पंचायतों का बढ़ा है, तो सीधी सीधी बात की इसमें मतदाता भी बढ़ेगी। मुजफ्फरनगर पालिका जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ 4,21,000 सबसे बड़ी नगर पालिका है, जिसे 4,21,419 मतदाता है 2017 के आंकड़ों के, और परिसीमन मुजफ्फरनगर नगर पालिका का बड़ा है, दर्जनों गांव इसके अंदर जोड़े गए हैं, कई बड़े गांव इसके अंदर जोड़े गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आंकड़े जो मतदाताओं के है संख्या काफी बढ़ेगी। अभी तक यह किसी भी पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किया है, सब उन्होंने लिखी है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, आरएलडी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, अभी तक किसी पार्टी का टिकट नहीं हुआ। मेरे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर शहर की शिक्षित महिला वर्ग मौजूद है जो जमीनी स्तर पर रहकर कामकाज जो सरकार के होते हैं क्या होते हैं उनमें इंटरेस्ट रखती है और कमियां होती है, तो वो उस चीज को जनप्रतिनिधियों को बताते भी है। मेरे साथ दर्जनों की संख्या में महिलाएं मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे, मेरे सहयोगी कैमरामैन दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं दर्जनों महिला यहाँ मौजूद है और ये शहर की सभी पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं है,
नगर पालिका सीट अपने आप में बड़ी अहम हो जाती है जब नगर निगम चुनाव आते हैं। तो बात करते हैं इनसे कि कैसा जनप्रतिनिधि अपना चाहती है। पवन आपकी आवाज जी। अंजू अग्रवाल थी, तो किस तरह का काम किया है उन्होंने? ठीक किया है। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको, कैसा चेयरमैन चाहिए, कैसा सदस्य चाहिए? और क्योंकि महिला सीट हो जाती है तो क्या आप भी चाहती है कि सामाजिक सेवा करे? जी मैं चाहती हूँ, जैसे मेरी आवाज होनी चाहिए वो हो और समाज की सेवा कर सके। जैसे आज तक के मेरे हस्बैंड बार टैक्टिक से चुनाव लड़ते आए हैं, 3 बार उन्होंने समाज की सेवा की अपने क्षेत्रवासियों का। पार्टी से या बिना पार्टी? उन्होंने समाज की सेवा की है, ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ, मैं भी अपने क्षेत्रवासियों की सेवा। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। मैम कैसा आपको जनप्रतिनिधि चाहिए, सभासद और नगर पालिका चेयरमैन, किस तरह का चाहिए? जो हमारे नगर की सुरक्षा का ध्यान रख सके, स्वच्छता दे सके, बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर सके, ये सब बहुत अच्छा है। जी मेरे साथ तो कुछ पुरुष भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि किस तरह का वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, किस तरह का सभासद, किस तरह का नगर पालिका चेयरमैन। जी आपका नाम? मनीष चौधरी। मनीष जी किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? देखिए मान्यवर, जो कि हर समाज के ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के लिए और अपने जिले के लिए चारों तरफ विकास योजना है, वही ऐसा हमें चेयरमैन और यहाँ पर जो अध्यक्ष के लिए जो आप नामांकन कर रहे हैं, वही मैं आपके चेयरमैन की है। और जो रही बात सभासदों के लिए, सभासद हमें ये चाहिए कि जो अपने वार्ड को परिवार की तरह लेकर के चले और सुख दुख में हमेशा अपने उन साथियों और बहनों भाइयों का साथ रहे, जो कि क्षेत्र के रहने निवासी है। किस तरह के काम आपके क्षेत्र में हो गए? सबसे ज्यादा काम जो हमारे क्षेत्र में होने चाहिए वो भी नाली को लेकर के और लाइट और जितनी व्यवस्था यहाँ पर सुंदरता की होनी चाहिए, वो सभी गुण उनके अंदर होने चाहिए। और अपने इतने साथ में जैसे कोरोना जैसी महामारी बीमारी में कुछ कार्य ऐसी है जो यहाँ पे सभासद ने प्रतिनिधि किया है, ये वार्ड ये वो वार्ड है की जहाँ पर लगभग की निर्दलीय सभासद टीम लगातार 3 बार जीता है और अपने दम पर अपने क्षेत्र को अपने परिवार की तरह लेकर चलता है और कुछ हमें रहता है। मेरे साथ एक और सज्जन मौजूद है, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकल्प जैन है। विकल्प जी किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं सभासद और चेयरमैन? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिससे हमें ऐसा लगे कि हमारे घर का आदमी है और हमारी एक भी बात उसके सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारी बात ना माने और हमारे मुंह से निकलते ही हमारी बात, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र की सफाई और सड़क व्यवस्था ये सब पूरी होनी चाहिए। पहले जो चेयरमैन थे आपके यहाँ किस तरह का काम किया है, आप लोग ही कसौटी पर खड़ा उतरे कि नहीं उतरे? हमारे यहाँ पहले अंजू अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव जीतकर चेयरमैन बनी थी, वो अपनी कसौटी पर तो खड़ा उतरी, परंतु उनका जो व्यवहार था, बर्ताव था, वो बहुत ही खराब था। उन्होंने सब करा धरा जो उन्होंने किया वो सबको खराब कर दिया केवल अपने व्यवहार के कारण, नहीं तो शहर के विकास में उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। तो अब किस तरह की अपेक्षा जो आपका नया चेयरमैन बनने जा रहा है, जो नामांकन करेगा किस तरह होना चाहिए? हमारे हिसाब से हमारा चेयरमैन सबसे प्रथम तो धनाढ्य होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो गरीब लोग बिना व्यवसायी बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाते हैं वो सर्वप्रथम अपना घर भरने का कार्य करते हैं, जनता की वो बिल्कुल भी जनता को दरकिनार करके केवल और केवल अपना व्यापार वृद्धि और राजनीति को अपना व्यापार समझ के वो इस राजनीति में कूदते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरा मानना है कि धनाढ्य संस्कारी और पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही राजनीति में आना चाहिए। मेरे साथ कुछ और भी महिला है। जी मैम आपका नाम? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए जी। स्वीटी जी किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहती है आप नगर पालिका चुनाव? यही चाहती हूँ कि सब अपने परिवार जैसा माने और जो समाज का विकास हो और बच्चे शिक्षित हो और जो नगर में हमारी साफ सफाई की कमी है वो सब कभी दूर हो जाए और महिलाएं भी जो है सबको काम मिले, जैसे पुरुष जो है व्यवसाय नहीं है किन लोगों के पास, उन सबको व्यवसाय मिले ताकि एक दूसरे मतलब हमारे शहर में देखते हैं कि सब लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे को भी भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, फिर इसीलिए की व्यवस्थाएं की कमी है और ये सब कमी हमारी पूरी हो। मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद है। मैम आप आइए आगे को, आइए एक बार, आइए 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 जी जी। आपका नाम? सोनिका। किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ कि जो हमारी मतलब बात मान सके, बात को सुने, हमारी जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके। आपके शहरी क्षेत्र में किस तरह के काम हुए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर, कितना संतुष्ट है आप अपने शहर में?
काफी संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि और ज्यादा संतुष्ट हो, मतलब कि और ज्यादा संतुष्टि मिले हमें कि कार्य और अच्छे तरीके से हो। किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप, कैसा चेयरमैन चाहिए, कैसा सदस्य चाहिए? जी ऐसा ही चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, पढ़ा लिखा हो, अच्छा शिक्षित हो, संस्कारी हो। जी हमारे साथ एक मैम और भी है। जी मैम क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा मेघा, क्योंकि बात अगर हम पूरा बात करें मुजफ्फरनगर की, तो महिला आरक्षित सीट हो चुकी है, दूसरी बार महिला आरक्षित सीट है, तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बनती है, और महिलाओं की अगर भागीदारी बनती है तो सवाल जवाब में महिलाओं से ही होनी चाहिए पूजा। तो इसलिए मेरे साथ दर्जनों महिला यहाँ मौजूद है जो पढ़ी लिखी और शिक्षित परिवार से आती है। जी आपका नाम? मेघा माहेश्वरी। मेघा जी, कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? हमारा जनप्रतिनिधि ऐसे होना चाहिए जैसे मान लो अगर महिला सीट आ रही है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई महिलाओं को हमें आगे बढ़ने का योगदान, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और सफाई का भी ध्यान रखे, और जो हमारे यहाँ बिजली का मतलब बीच बीच में कट जाती है, कई बार पीछे आती है, दो दिन बिजली नहीं आई है, पानी भी नहीं था। हम जो आधी आबादी है उन वो एक मत से इस बात को कह रही है कि उनकी जो तमाम मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, ख्याल रखा जाना चाहिए, महिला आरक्षित सीट है, और ऐसे में महिलाओं की आवाज भी बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि हमने समझी है। और जो तमाम स्थानीय निवासी हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि बारिश आने वाली है तो नालियों की व्यवस्था बहुत बेहतर होनी चाहिए, सड़कें व्यवस्थित होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें आगामी दिनों में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ऐसा प्रतिनिधि जो घर जैसा व्यवहार हमारे साथ में करे, लगना नहीं चाहिए कि वो प्रतिनिधि बन करके साहब हो गया है और हमारी सुन नहीं रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।